जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम बैठे हैं मनु भैया जी के साथ और कुछ सवाल जब आपके साथ हम उनके साथ चर्चा करेंगे। तो जय श्री देव मनु भैया जी। जय श्री। मेरा सबसे पहले सवाल ये रहा है कि आपकी जो धर्म को लेके और आस्था को लेके जो जिज्ञासा है, क्या वो बचपन से रही और कैसे वो शुरुआत हुई आपकी लाइफ में? देखो, माता पिता आध्यात्मिक थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे दादा भी आध्यात्मिक थे, उन्होंने जैसे अभी स्टेज शो होता है ऐसे पूरे राजस्थान भर में वो फेमस थे। बालकिशन त्यागी उनका नाम है था मतलब। और दूसरा जो हमारे पिता हैं, वो उन्होंने 12 से 16 साल लगातार संकीर्तन मंडली उनकी एक थी आध्यात्मिक, माता का जागरण किया है उन्होंने और देवी देवताओं के भजन को लिखा भी है। और उस जागरण के जरिए जो गांव में मंदिर होता था हमारा, उस मंदिर के लिए काफ़ी पैसा जुड़ के उस मंदिर में परिपूर्णता कराई थी। तब वो वैसे कुछ नहीं लेते थे, यानी कि घर के लिए कुछ नहीं लेके आते थे, केवल उनका एक आध्यात्मिक ये विचरण था। उनके गुरु हैं हमारे माता पिता के, और वो मेरी मम्मी जो हैं, माता जी जो हैं, वो सवेरे शाम आरती पूजा करने वाली थी। इसलिए जो अध्यात्म की राह थी वो हमें बचपन से एक मार्ग तो था। मेरी महात्माओं में रुचि थी, महात्मा जब भी आते थे गांव के मंदिर में मैं मिलने जाता था, जिज्ञासु भी था। एक महात्मा ने तो मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे आज तक याद है क्यों। हमारे गांव में एक जो मंदिर के अंदर कमरा था उसमें सलाखें जैसी लगी हुई थी, ऐसा गेट था लोहे का कि जैसे जेलों में सलाखें होती हैं, इस तरह का एक गेट था। मुझे आज तक याद है वो गेट बंद था, मैंने उसको खटखटाया, महात्मा के पास गया, मैंने उसके चरण पकड़े और मैंने उसको कहा मुझे ज्ञान दीजिए, मैं बहुत छोटा था। तब वो हंसा, उसने मुझे बाहों में भर लिया और जैसे मैं बच्चों के, छोटे बच्चों के माथे चूमता हूँ कि उनको ये बात कभी याद रहेगी कि मनु भैया ने हमें प्यार किया, इसी तरह उसने मुझे प्यार किया। मैं आज तक उस दृश्य को नहीं भूल पाया बालपन से आज तक। और इसे जिज्ञासा के साथ मैं पला बढ़ा, लेकिन मेरा जीवन सामान्य था। 12th क्लास तक मैं बिल्कुल सामान्य अवस्था में रहा, जैसे बच्चे खेलते खाते कूदते फिरते अपनी 10वीं 12वीं करते हैं ऐसे मैंने, लेकिन मैं मेहनती था, होशियार भी था, प्रबल भी था, बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने वाला भी था, लेकिन मेरे पास सुविधाओं की अन्य जनों से कमी थी। क्योंकि हमारे पिता जो है, हम चार बहन भाइयों का पालन करने में उस लेवल पे नहीं थे जिस लेवल पे सारी दुनिया होती है। क्योंकि हमारी माता बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, उनके 2-3 ऑपरेशन तभी हो चुके थे। तब से मैं आज तक ये जानता हूँ कि डॉक्टर जो है आदमी को कर्जे में पहुँचा सकता है, तब मेडिकल की कोई ज़्यादा सुविधा नहीं होती थी। और अगर आपका एक ऑपरेशन हो रहा है 10-12 हज़ार रुपये में, तो उस समय में जब 300 रुपये का ईंट का ट्रक था और 20-25 रुपये का किलो घी था, तब बहुत बड़ी बात ही होती थी। तब मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो लालन पालन हुआ है वो कष्ट से भी हुआ है और कई बार बिना कष्ट के भी हुआ है। क्योंकि हमारे पिता का बीच बीच में हाथ भी ठीक हो जाता था, क्योंकि वो एक BMS डॉक्टर हैं और डॉक्टर साहब भी आज भी लोग उनको कहते हैं, तो उनका जीवन सामान्य रहा, डॉक्टर साहब भी कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को बड़े कष्टों से पाला है। और हमारा जो मेरा साधारण जीवन था, उस साधारण जीवन में मेरे ऊपर कष्ट ही कष्ट थे। बाद में जब मैं संभला, ग्रेजुएशन आदि की, ऐसे ही मैंने भी जॉब की जैसे सारी दुनिया करती है, तब मुझ पर 7.5 आई और मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। तब मैंने अपना काम किया, वो जिस लेवल से मैंने शुरू किया था उस लेवल से सीधा जमीन में चला गया, धस गया और मैं उभर नहीं पाया उससे। तब मेरे शरीर में भी कष्ट आए, उन कष्टों को झेलता हुआ मैं तब जब लास्ट आया मेरा 7.5 का, उन झेलता रहा और भगवान का नाम लेता रहा, लेकिन अभी भी भगवान की शरण में पूर्णता नहीं आया था। जब 7.5 का लास्ट आया, तब हमारे पिता को पता नहीं क्या सूझी, तब उन्होंने कहा इतने सारे कष्ट आपने झेले हैं, मुझे नहीं लगता आपको कोई सामान्य दशा है, कोई शनिदेव महाराज की ही दशा हो सकती है। तब वो मुझे कोकिला वन ले गए, वहाँ से मैं 15 रुपये की एक तस्वीर लेके आया। उस तस्वीर की मैंने 20-21 दिन पूजा की होगी और मेरे पास मुश्किल से एक छोटा सा स्थान था जिसमें आदमी केवल पालथी मार के बैठ सकता था और उसके अलावा बस इतनी सी तंग जगह थी। और सामने की तरफ मैंने दिया था मिट्टी का, उसमें मेरी जोत जलती थी सवेरे सवेरे 2 घंटे और मैं उस पर पूजा करता था। इन्हीं 20-21 दिनों में जाने क्या हुआ कि मैं वहाँ ज़्यादा ज़्यादा बैठने लग गया और शनि चालीसा को मैं 100-100 बार पढ़ने लग गया और मंत्र जाप करने लग गया वहीं बैठ के। और फिर एक दिन मुझे, मैं सामने बैठ के देख ही रहा था कि मुझे भय लगा शनिदेव महाराज की तस्वीर को देखने भर से, मुझे भय लगा, क्यों मैं कंपित हुआ मुझे नहीं पता। फिर अचानक 2 रश्मियाँ उनकी आंखों से निकली, मैं बिना आंखों में देखे देवता की पूजा कभी नहीं कर पाया, ये मेरे लिए था। लोग कहते थे शनिदेव महाराज की आंखों में नहीं देखना,
जब मैं बिना आंखों में देखे पूजा नहीं कर पाया कभी भी, जब मैंने उनकी आंखों में देखा भय लगा, अंतर से तो रश्मियां आई आंखों से ही निकल के मेरे मस्तिष्क में समा गई, कई घंटे तक अचेत पड़ा रहा, खुश भी होता था मन में बार बार, यानी कि मन की एक ऐसी अवस्था थी जिसमें एक 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 तरह से प्रफुल्लता का दौर था, यानी कि मन प्रसन्न भी हो रहा था, मुझे कुछ हो भी रहा था, मुझे क्या हो रहा था कि जैसे लाखों कीड़े मस्तिष्क में चल रहे हो, लेकिन प्रसन्नता भी, एक प्रसन्नता का एहसास भी हो रहा था साथ साथ कि मैंने भगवान को पा लिया, लेकिन ये भगवान का केवल शक्तिपात था। दूसरी बार विजेंद्र गोयल जी हमारे यहाँ हैं, एक वो मुझे सबसे पहले मिलने वाले इंसान हैं, उन्हीं के रामा पब्लिकेशन से हमारी पुस्तक छपी थी, उनके घर में मैंने भगवान के चरण कमल का दर्शन किया था, शनिदेव महाराज का, उसके बाद से मेरी धार्मिक यात्रा शुरू हुई यहाँ से, और ये 2004 की बात है, ऐसे 2004 से 6, फिर 6 से 10, 10 से 12, 2012 तक लगातार मैं निरंतर जप करता रहा, इसमें मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई, एक बार 40 दिन के लिए बैठा, फिर एक दिन उठा, फिर 40 दिन के लिए बैठा, फिर एक दिन उठा, फिर 23 दिन के लिए बैठा, फिर एक दिन उठा, फिर 11 दिन के लिए बैठा, ऐसे में मौन धारण करके जाप करता था। अलग अलग कुछ लोगों ने इसमें मेरी मदद भी की, कुछ के काम भी मैंने शनिदेव महाराज से प्रार्थना करके कराए, और फिर मेरी आध्यात्मिक यात्रा सफर शुरू हो गया। अब आगे कुछ पूछना है वो आपका क्वेश्चन। हाँ जी, मैं एक सवाल और जानना चाहूँगी, जो कि लोगों के काफ़ी मन में ही एक सवाल रहता है कि जब हम शनि देव जी की पूजा करते हैं किसी भी मंदिर में या कहीं पर भी, तो उनकी आंखों में देखने के लिए मना किया जाता है, जहाँ तक कि हमारे कुछ किताबों में भी लिखा है, तो ये क्या मिथ है या सचमुच में ऐसा करना चाहिए, और किस तरीके से हमें उन्हें उनके पूजा करनी चाहिए? देखिए, ये मिथ्या कैसे हो गया, क्योंकि मुझे तो 15 रुपये की तस्वीर की मात्रा आँखों से जब मैंने उसमें धारणा कर ली यही शनिदेव है, तो 2 रश्मियाँ निकल के मेरे मस्तिष्क में समा गई। उन्होंने खुद ही जब तस्वीर का सहारा लिया है, तो इसका मतलब जब आप आस्था कहीं रख लेते हैं तो उसी में ईश्वर प्रकट हो जाता है, सबसे बड़ी बात यह। फिर देवता देने वाला होता है, वो लेने वाला नहीं होता। भक्त से किसी भी देव का, कोई भी देवता हो, कितना भी क्रूर हो, अगर उसकी कोई भक्ति करता है वो उस पर प्रसन्न होता ही होता है। और ये जो शनिदेव महाराज हैं, ये साहसी से हमेशा प्रसन्न होते हैं। जैसे दशरथ महाराज जो है उस बड़े साहसी थे, उनको लगा, वशिष्ठ मुनि ने उनको कहा कि दशरथ, ये जो हे राजन, ये जो समग्र तुम्हारी जनता है और तुम्हारा राज्य है, ये बहुत ही जल्दी जो है ये काल के गाल में समा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दुर्भिक्ष कारक एक वो पड़ने वाला है, यानी कि जिस अकाल पड़ने वाला है, आपके यहाँ पर शनिदेव महाराज रोहिणी शकट का भेदन करेंगे और आपकी जनता त्राही त्राही कर मर जाएगी। तब दशरथ ने, महाराज दशरथ को इंद्र देवता से रथ प्राप्त था, रथ पर बैठे और वही रोहिणी शकट के आगे जाके खड़े होंगे कि शनिदेव महाराज उसका भेदन ना कर पाए। जब दशरथ, भगवान शनि ने देखा कि ब्रह्मा ऋषि और तारागण तक मेरे पथ पे आके खड़े नहीं होते हैं कि पथ भ्रष्ट ना हो जाए, तब वो उनके साहस से प्रसन्न होकर उनको अभीष्ट की प्राप्ति कराकर प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मैं आज से कभी भी रोहिणी शकट का भेदन कदापि नहीं करूँगा, तो कलयुग में भी नहीं करेंगे। तब देवता तो उल्टा आपके साहस से प्रसन्न होते हैं, और चक्षु जो उनकी दृष्टियां हैं, वो दृष्टियां उनके लिए हैं जो जातक हैं, उन्होंने क्रूर कर्म किए हैं, उन्हीं को वो पीड़ित करेंगे। जिन्होंने अपने कर्मों का फल पा लिया उनको क्यों पीड़ित करेंगे, और जो अपना कर्म फल पाने के लिए तैयार है और देव की शरण में है उनको क्यों पीड़ित करेंगे। तो कोई भी देवता शरण लेने से कदापि पीड़ा को कम करता है, पीड़ित पीड़ा को बढ़ाता नहीं है, ये बात है। और दूसरा, किसी के भी आप नेत्रों से देखते हैं तभी आपको आपकी पहचान मिलती है। अगर आपके नेत्र नहीं है, आंखें बंद हैं, आपकी कोई पहचान नहीं है। एक ऐसा कोई कोई व्यक्तित्व होता है, जैसे राम भद्राचार्य जी महाराज हैं, जिनके बिना नेत्रों के पहचान है। अगर पूरे चेहरे में कोई पहचानने योग्य चीज़ है तो आपके नेत्र ही होते हैं। अगर आपके नेत्र ही निकाल दिए जाए, इतना हिस्सा खाली कर दिया जाए, पट्टी चिपका दी जाए, आपको कोई नहीं पहचानेगा। लेकिन आपने देखा होगा, पहले पंजाब केसरी में केवल नेत्र नेत्र दिखा के पूछा जाता था ये कौन सी अभिनेत्री की आंखें हैं, और उसको लोग पहचान लेते थे, ये माधुरी दीक्षित की है, ये जूही चावला की है, ऐसे पहचान लेते थे उनको लोग। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, आंखें बहुत कुछ देखती हैं, बहुत कुछ बोलती हैं, और आँख ही जो है, चक्षु ही जो है हमारा चेहरा है, और चक्षु अंतर चक्षु में बदल जाए तो वो उस आत्मा को भी देखती हैं जो इस शरीर का संचालन करता है। मैं एक आखिरी सवाल और जानना चाहूंगी कि जैसे कि मेरा भी अनुभव रहा है कि मैंने भी शनिधाम में देखा है कि लोग यहाँ पे काफ़ी ठीक हुए हैं और उनकी परेशानियाँ दूर हुई है,
और मैं ये जानना चाहूंगी कि यहाँ पर जो लोग हैं जो दिल्ली से बाहर से आते हैं उनके लिए और क्या क्या फैसिलिटीज है जो नया शनिधाम गुड़गांव में बना। एक तो जब भी आप सर्च करें न्यू शनिधाम गुड़गांव करें, दूसरा जब भी आप फेसबुक पे जाएं तो फेसबुक से किसी भी अकाउंट पे आप पैसा ना भेजें, आप फिर शनिधाम ही आना पसंद करें, क्योंकि जो हमारी फीस है उतना ही आपका किराया लगना, उससे ज्यादा आपका किराया शनिधाम में आने का लगना नहीं है। तो ऑनलाइन की ना सोचें, आप सीधा शनिधाम में आ जाएं। और हमारे धाम के नंबरों के अलावा कभी भी फेसबुक से कोई नंबर ना लें, फेसबुक पे हमारा जो ऑफिशियल चैनल है उसी को देखें, और जो बहुत सारे चैनल हैं वो फ्रॉड बनाए हुए हमारे नाम पे, कभी भी फेसबुक का एक ऐप होता है जिसपे जो वो जाता है QR कोड, नहीं QR कोड फेसबुक से ना लें, और एक छोटी सी ऐप होती है फेसबुक का जो मैसेंजर होता है, मैसेंजर से कभी भी जो है कोई नंबर ना ले, हमारे 3 ही नंबर हैं, वो नंबर हमेशा चालू रहते हैं, उन्हीं पे बात करें, उन्हीं के माध्यम से लोगों से धाम के लोगों से संपर्क करें। एक दूसरा, यहाँ पर आकर बिल्कुल मुफ्त की सुविधाएं हैं, अभी हम यहाँ पर जो है रहना फ्री कर देंगे, बिल्कुल अभी भी है नगण्य था, यहाँ हमने एक चार्ज रखा था वो यूं, क्योंकि धाम के कई काम बाकी थे वो हमने कराए थे, अब वो चार्ज भी हम खत्म करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल मुफ्त में ही आके यहाँ आदमी ठीक होगा। और अगर हम सामग्री दे रहे हैं तो सामग्री की भी उसकी इच्छा है, शनिवार बुधवार को मैं प्रत्येक व्यक्ति से मिलता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ मैं उस आदमी से मिलके उसको ठीक कर पाऊँ, उसकी निगेटिविटी को, उसके घर की निगेटिविटी को, उसके परिवार की, और उसके जो व्यापार आदि में निगेटिविटी है, बाधाएं हैं, उनको मैं दूर कर सकूँ। केवल निगेटिविटी दूर करने का हमारा उद्देश्य है। इस निगेटिविटी में 5 प्रकार की कुपित वायु आती है, एक आपको नजर दोष लगती है, दूसरा आपको देव दोष लगा हुआ है, तीसरा कोई श्राप लगा हुआ है, चौथा एक प्रेत बाधा है, 5वां जो है पितृदोष है। ये सब एक ही चीज से संलग्न है और वो पितृदोष से ही संलग्न है। दो चीजें तो अलग जीवित व्यक्तियों से भी संलग्न है, क्योंकि कोई आत्मा आपको श्राप दे सकती है अगर आपने किसी के शरीर से कुछ लिया है, किसी से उधारी ली है, या किसी की जमीन पे कब्जा मारा है, या किसी का कुछ चुरा लिया है, तो वो आपको श्राप दे सकती है। एक जो जीते जागते शरीर है उनकी नजरें भी लगती हैं, वो नजर दोष भी लग सकता है। एक देव आपसे कोई कुपित हो जाए तो देव दोष भी आपको लग सकता है। तीसरा, एक चौथी और पांचवी जो चीज है वो बिल्कुल संलग्न है, यानी कि पितर और प्रेत, ये दोनों एक दूसरे से इतने संयुक्त है कि इनका एक ही लोक है और इनको देवताओं की श्रेणी में गिना जाता है, क्योंकि मानव कभी भी देव श्रेणी में आ सकता है और मानव का ही अधिकार है कि वो देवता बन जाता है, वो जीते जी भी देवता बन जाता है। जितने भी पृथ्वी पर महापुरुष आए हैं, पुराण पुरुष आए हैं, युग पुरुष आए हैं, वो जीते जी उन्होंने लोगों की सेवा की है, और सेवा करने से, लोगों को ठीक संदेश देने से, धर्म का जागरण करने से वो देव तुल्य हो गए हैं और देवता हो गए हैं, आज उनको पूजा जाता है। हम माने तो एक वकील साहब थे, ठीक है ना, वो खुद वकील थे और वो एक गुरु की शरण में गए और उनका नाम विवेकानंद जी है, आज उनको दुनिया पूछती है। मैं भी उनको इष्ट मानता हूँ, मैं भी उनको भगवान के समक्ष रखता हूँ, ठीक है। तब ये जब उत्पन्न हुए समाज में, तब इन्होंने साधारण जीवन जिया, कष्टों को देखा, कष्टों से बाहर निकले, सत्य की खोज में चले, सत्य को प्राप्त किया, लोगों की सहायता की, कई प्रकार के योग बतलाए, तब सहज योग बतलाया, राजयोग बतलाया, तब उन योगों से हमें जो प्राप्ति हुई उसको दिखाया हमें, और इस तरह से वो भी उठे, हमें भी उठाया, खुद का उठना, दूसरों को उठाना, ये शरीर के जरिए हो सकता है। तो प्रेत और पितर ये संयुक्त है, एक ही योनि है, ये अलग नहीं है, क्योंकि जो आपका पितर पृथ्वी लोक पे रह गया वो सही मायनों में पितर नहीं हुआ, जो पितर पितर लोक में चला गया वो सही मायनों में पितर हुआ, और जो पृथ्वी पे रह गया वो कोई नहीं, यानी कि किसी भी महिला के अंदर, भाई के अंदर आने वाले प्रेत को, और वो जो स्वर्ग माता है उस प्रेत को, अगर ये मान लिया जाए ये हमारे घर का है तो पितर हो गया, और अगर ये मान लिया जाए दूसरे के घर से आया है तो वो प्रेत हो गया, तो ये दोनों जुड़े हुए हैं। और इसकी बड़ी सूक्ष्म व्याख्या है, जब आपका क्वेश्चन आएगा तो मैं व्याख्या भी आपको देंगे। जय शनि, जय शनिदेव का मतलब ये नहीं है कि पूर्ण विराम हो गया। अगर आपके मन में कोई और भी क्वेश्चन है तो मनु भैया जी बताने के लिए तत्पर हैं, तैयार। अभी आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, जितने भी सवाल जवाब हमने किए उससे काफी इंस्पिरेशन लोगों को मिलेगी और जागरूकता आएगी लोगों के अंदर, और जो भी मनु भैया जी ने बताया है कि डायरेक्ट उनके जो सेंटर है गुड़गांव में वहीं जाके संपर्क करें, किसी भी ठगी या किसी भी अननोन नंबर से आपको कॉल आती है, कोई मैसेज आता है, आप उस पर बिल्कुल भी बिलीव ना करें, डायरेक्ट आप उनसे संपर्क करें, और सब कुछ वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपकी बिल्कुल हेल्प और सेवा की जाएगी। तो थैंक यू मनु भैया जी आपसे। एक बात और भी बता देता हूँ, आपने जब ये बात की है जी, तो
जो लोग हमारे धाम में आते हैं बड़े विश्वास के साथ आते हैं जी, मैं चाहता हूं कि वो पहले बारीकी से हमारी वीडियो को देखें जी। आज आप मिले हैं मिस चिंकी रतन से, और जो मिस दिल्ली है, मिस दिल्ली है, और इसके अलावा उन्होंने कई उपाधियां यहां से प्राप्त की हैं, और वो ब्यूटी सौंदर्य प्रसादन से रही है, लेकिन आध्यात्मिकता में उनकी जो रुचि है वो गहन है। उनकी मातृ शक्ति जो है वो भी आध्यात्मिकता में काफ़ी रुचि रखते हैं, और ये बच्ची बहुत पहले से मेरे पास आती है, लेकिन अब इसने कुछ करने की सोची है कि इनकी तरह ही या बहुत सारी भारत की लड़कियों को शनि धाम की सुविधा मिले, और वो जाने की सच्ची राह कहाँ मिलेगी, वो जाने की आपकी निगेटिविटी से आपको पीछा कहाँ छुड़ाया जाएगा, वो जान लें कि कहाँ पर बाधाएँ दूर होती हैं, और इसके लिए प्रयास और प्रयत्न करें, क्योंकि उसने भी देखा है कि एक माँ की समस्या बेटे पे कितनी और बेटी पे कितनी जल्दी आती है, वही फैलती जाती है आपके समाज में, वो बढ़ती जाती है, एक टाइम में आके वो विकराल रूप ले लेती है, आपके परिवार का, आपके कुल का, आपके वंश का वो ध्वंस कर देती है। तो उससे बचें, उस कंस रूपी राक्षस से, उस रावण रूपी राक्षस से, उस शूफनका से जो आपके घर में घुस गई है, उसको निकाल फेंकें, और भगवान के नाम का जप करें, ईश्वर को ग्रहण करें, आत्म जागरण करें, आध्यात्मिकता को प्राप्त करें, ज़्यादा समय ध्यान करें, और आत्मकणों को प्राप्त करते हुए देखते हुए अपने जीवन को अच्छे से गुजारें, गुजर बसर करें, अपने तेज को वृद्धि करें, बढ़ावें, और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय शनि।